हिंदू एकता पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। यात्रा को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने न्यूज 18 से खास बातचीत भी की है और इसी दौरान बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि हिंदू अब जाग रहा है और हिंदुओं को डराने धमकाने वालों की दुकान बंद होगी। तो वहीं उन्होंने हिंदुओं की घटती आबादी पर चिंता जताते हुए कहा कि हमारी आबादी लगातार घट रही है और उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। हिंदुओं को दो बच्चों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दिन काफी दिन अद्भुत था, एक अनूठा और नया प्रयोग था और भारत के हिंदुओं में नया उबाल आ रहा। पर 100 करोड़ हिंदू वाले देश में हम 1 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए रोडों पर चाहते हैं, तभी हमारा मकसद पूर्ण हो पाएगा। 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू भी अगर सड़क पर आ जाएंगे, इस देश में नया इतिहास लिखा जाएगा, इस देश में नई क्रांति होगी। इस देश में हिंदुओं को डराने और धमकाने वालों की दुकानें बंद हो। हिंदू आबादी लगातार घट रही है, हिंदू आबादी लगातार घट रही है, उसको लेकर किस तरह का चिंतन आपका? ये बहुत चिंतनीय विषय है। उनकी आबादी बढ़ रही है, अपनी घट रही है। हिंदुओं को दो बच्चों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पदयात्रा जारी है और इसी दौरान धीरेन्द्र शास्त्री कहते हुए नजर आए हैं कि अब हिंदू जाग रहा है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि डराने धमकाने वालों की दुकान जल्द ही बंद होगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये यात्रा जो निकाली जा रही है वो सामाजिक समरसता और हिंदू राष्ट्र को लेकर निकाली जा रही है और यही कारण है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस यात्रा से अगर 1 करोड़ हिंदू भी सड़कों पर तो ये उनके लिए बड़ी जीत होगी। और जो लोग कहते हैं कि इस तरह की यात्राएं नहीं होना चाहिए, उनको करारा जवाब होगा। यात्रा से जो लोग पदयात्री शामिल हैं उनसे हम बात करने का प्रयास, बताइए कहाँ से आए हैं और क्या लग रहा है आप पूरे समय चलेंगे? मेरा नाम डॉक्टर संजीव शर्मा है, मैं धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से आया हूँ और हिंदू राष्ट्र की जो सनातन एकता पद यात्रा है उसकी भव्य जो हमारे गुरु जी हैं उनका साथ निभाने के लिए हम आए हैं और ओरछा धाम तक हम जाएंगे। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, 9 दिन तक आप लोग भी साथ चलेंगे, किस तरह का उत्साह है? कल बहुत लंबा पैदल चलना पड़ा। हाँ जी, हम हरियाणा से आए हैं हिसार से और 9 दिन गुरु जी के साथ ही रहेंगे, गुरु जी का नाम रोशन करेंगे, पूरे जनता का नाम रोशन करेंगे, हिंदू भारत एक राष्ट्र। आप कहाँ से आए हैं? हम बंडा सागर से। अच्छा, क्या जी? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। तो आप तस्वीरें देख रहे थे, ये यात्रा जो है धीरेन्द्र शास्त्री निकाल रहे हैं, इस दौरान बड़ी संख्या में सैलाब आप लोगों का देख रहे हैं, भक्तों का देख रहे हैं, साधु संत इसमें शामिल हुए हैं, जगह जगह पर स्वागत भी इस यात्रा का हो रहा है और इसी दौरान घटती आबादी पर चिंता भी धीरेन्द्र कृष्ण।